दूसरे दिन का खेल जब स्टार्ट हुआ तो भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और आर अश्विनी, रविंद्र जडेजा जल्द ही आउट होकर पवेलियन चले गए और आर अश्विनी नवे विकेट के रूप में पवेलियन गए। वैसे बता दें कि रविंद्र जडेजा ने कोई भी रन नहीं बना पाया था, 86 के 86 पर ही आउट हो गए थे। आर अश्विनी ने थोड़ा बहुत रन बनाए थे। वहीं इसके बाद जब भारतीय पवेलियन पहुंच गई टीम, उसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाज उतरे। बांग्लादेश के बल्लेबाज कुछ खास नहीं करते नज़र आए और भारतीय मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के आगे सरेंडर करते नज़र आए। वहीं मोहम्मद सिराज की एक ओवर में एक बेहतरीन अपील की गई थी LPW की, लेकिन वो नकार दी गई। DRS लिया जाता तो वो क्लियर आउट थे, लेकिन उसके बाद पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड मार दिया था अपनी लास्ट गेंद पर। वहीं बता दें कि उसके बाद जब आकाशदीप को लगाया गया तो आकाशदीप ने पहले ही ओवर में 2 बोल्ड मार दिए। इसके चलते बांग्लादेश की टीम बिल्कुल बैकफॉर्ड पर आ गई थी और जिसके चलते बांग्लादेश ने सिर्फ 150 रन के अंतर्गत ही ऑल आउट हो गई। वहीं दूसरे ही दिन भारतीय टीम जब पवेलियन जाकर और फिर से बैटिंग करने के लिए आई तो भारत के भी 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, वहीं जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, SSC जायसवाल। विराट कोहली को गलत आउट दिया गया LPW। वहीं बता दें कि सुमन गिल और ऋषभ पंत अभी बैटिंग कर रहे हैं और भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट एक दिन में गिनने के रिकॉर्ड में 17 विकेट रहे हैं, जो कि ये पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हुआ जब एक ही दिन में 17 विकेट गिरे हों। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है, वो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।